नया दिन नई उम्मीद लेकर आई एक और आज की सुबह, और आज है एक नया दिन फिर से। हम जीते हैं ऐसे ही कि आज ठीक होगा कल ठीक होगा, लेकिन ये आज की कंडीशन ऐसी है कि ठीक ही नहीं हो रही है। तो चलिए दिन को तो शुरुआत करना ही है, होगा सब जल्द ही ठीक होगा ऐसी आशा करते हैं और आगे जाते हैं, और हर हमारा जो काम है गृहिणियों का वो करते रहते हैं। क्या कर सकते, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो सुबह हो गई, डेली रूटीन शुरू हो गया, 6 बजे मैं उठ गई हमेशा की तरह, थोड़ी आज जल्दी उठी, वॉक पे जाके आ गई और घर का बरामदा जो रहता है वो साफ करने लगी। रोज का काम होता है ये सुबह का पहला, क्योंकि इतने पेड़ हैं हमारे यहाँ कि ये सब पत्ते गिरते हैं और रोज़ साफ करना पड़ता है। बहुत बड़ा एरिया है, आगे पीछे दोनों का एरिया, रोज़ का रोज़ साफ करना होता है। तो क्या करें, करना तो पड़ता है। ये देखो पंछी कैसे बैठा है, कितना अच्छा जीवन है इनका हमें लगता है, लेकिन इनकी फिक्र इन्हें मालूम होती है कि रोज़ के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जो खाने के लिए कुछ भी ना करे, हर एक को करना पड़ता है ना। थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ आपको, हमेशा की तरह थोड़ा फ्रेश लगता है सुबह सुबह ऐसे देख के भी, मुझे भी आपको भी। ये ऊपर से फूल निकाल रहे हैं मेरे आस पास, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ। वो पीला चाफा जो होता है बहुत सुगंधी रहता है, उसके फूल है। आगे दिखाऊँगी मैं आप सबको रोज रहती है मेरे आंगन में। रंगोली के बिना आंगन बहुत अधूरा सा लगता है। ये देखो छोटी सी सही, लेकिन रोज़ मैं रंगोली तो घर पे निकालती ही हूँ, डेली रूटीन का एक काम ही है मेरा और मुझे बहुत पसंद भी है। अपने आप को देखने में अच्छा लगता है, जब हम जाते हैं ना घर के बाहर तो बहुत अच्छा फील करते हैं हम। उसके बाद मैंने कल रात के थोड़े कपड़े वॉश किए थे, जो ज़्यादा के हैं वो अभी मैं सुखाने को डाल रही हूँ। सुबह सुबह जितना काम हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि एनर्जी भी रहती है और हमें ही करना है। तो फिर मेरा ऐसा रहता है कि क्यों थोड़े देर के बाद। सुबह सुबह बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ मैं, एक के बाद एक काम करती हूँ, क्योंकि फिर छोटी बेटी परी मेरी उठती है तो ज़्यादा कुछ काम हो नहीं सकता, उसके पीछे जाती हूँ मैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कैसे ब्लॉग देखने को पसंद आए वो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ही फ्रेश होती हूँ और बालों को ऊपर टाई कर रही हूँ। इधर क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, देखो आप शायद आवाज़ कट हो गई है, देख लो। किचन में नहा धो के पहले चाय लगती है मुझे, तो चाय लेने के लिए आई हूँ मैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये लीजिए, आप भी पी लीजिए चाय, देखो कितनी अच्छी लग रही है। सुबह सुबह चाय तो चाहिए, बाद में काम कैसे होगा, है ना। उसके बाद में आई हूँ, आज हमारे यहाँ फेस्टिवल है, महाराष्ट्रियन फेस्टिवल है बेंदूर,
इसके लिए आज पूरन पोड़ी बनानी है मुझे, उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। अब दाल उबालने को रखूँगी, चना दाल है ये, और ये तूर दाल मैंने भिगो के रखी है। इसकी दाल बनाऊँगी, प्लेन दाल, फीकी दाल बोलते हैं ना वो दाल, क्योंकि आज भोग लगाते हैं सब, आज किसानों का त्यौहार। ये देखो फूल, मैंने जो अभी बाहर दिखा है ना, ये इतने हमारे पेड़ को फूल निकलते हैं रोज के, बहुत अच्छा लगता है। पूरे मंदिर में सजाती हूँ मैं इसको। तो अब मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ चना दाल, ये पूरन पोली के लिए है, लगभग आधा किलो दाल है। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही दी है, इसलिए आज के व्लॉग में नहीं देती हूँ मैं, आप चेक कर सकते हो पूरन पोली की रेसिपी, महाराष्ट्र में फेमस है पूरन पोली, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो लगभग सारी तैयारियाँ कर रही हूँ मैं। इधर मेरे हस्बैंड कुछ दूध का पैकेट खोल रहे हैं, आजकल दूध का पैकेट भी बहुत संभाल के धोना वगैरह पड़ता है। और मैंने सोचा थोड़े से बर्तन हैं धो डालती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए ना, त्यौहार के दिन कैसे रहता है, बहुत सारे बर्तन एक साथ निकलते हैं, थोड़े थोड़े करके धो डालो तो अच्छा भी रहता है, इसलिए मैं अब बर्तन साफ कर रही हूँ। अच्छा लगता है, लेकिन इस साल तो कोई नहीं मना रहा है ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से। एक बार सिंक साफ कर देती हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग बाद में करूँगी, अभी जितने बर्तन हुए हैं इसके कारण उतना ही क्लीनिंग में कर रही हूँ। से थोड़ा हाथ धोए, फिर रसोई के यहाँ आ गई हूँ। घर में इतने सारे काम रहते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, की खत्म ही नहीं होते, पूरा दिन निकल जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होते। अब ये कल के थोड़े रात के कपड़े हैं जो सूख गए, वो फोल्ड कर रही हूँ मैं, उनको अभी तय करके जगह पे लगा दूंगी। बेबी के अलग, बच्चे के अलग, मेरे और इनके अलग, ऐसे कपड़े बाजू बाजू में रखती हूँ, फिर जगह पे रखने के लिए आसान हो जाता है। अब ये पूरन पोली के लिए दाल बना रही हूँ मैं, एक चम्मच घी डाला है उसमें, अब चना दाल गुल डाल के मैं उसको अच्छे से पकाऊंगी, सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। शॉर्ट में दिखा रही हूँ, रेसिपी नहीं दे रही हूँ आपको पूरी, क्योंकि दे चुकी हूँ मैं। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए, स्किप मत कीजिए, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी हेल्प होगी, इसलिए आप मेरा वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है, और वो मुझे काम करने के लिए बहुत मोटिवेट भी करता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूले और कमेंट भी कीजिए प्यारे प्यारे प्लीज़। इधर मैंने राइस भी चढ़ाया है, राइस का स्टार्च मैं निकाल देती हूँ हर रोज, वो खाने में नहीं लेती मैं। अब मैं करी बना रही हूँ, पूरन पोली की जो करी रहती है ना, कट की करी बोलते हैं उसको, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं ना वो बोलते हैं कि नॉनवेज को भी पीछे छोड़ देती है करी, इतनी स्वादिष्ट रहती है। आप देखो बनाने के बाद इतनी अच्छी दिखती है ना, उसमें सारा मसाला डालना पड़ता है, लहसुन अदरक करी पत्ता और धनिया पत्ता, ये सब मिक्सी में से हमें निकाल
डालना पड़ता है। इसके बाद इसका यह हरा ऐसा मसाला तैयार हो जाता है। ये देखो ऐसा, इसमें नारियल है, धनिया पत्ता है, लहसुन है और जीरा है थोड़ा सा। ये सब मैंने पानी डाल के मिक्सर में अच्छे से पीसा है। दरदरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट होनी चाहिए। और अब इसमें मसाले जाएंगे, मतलब घाटी मसाला जो रहता है ना, वो ऑनियन और गार्लिक का जो मसाला रहता है वो, और लाल तीखा फूल, मतलब लाल तीखा मिर्च डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, ये सब डाल के उसको ऑयल छूटने तक हम अच्छे से परोस देंगे, मतलब हिलाते रहेंगे, सॉरी इसको ऑयल छूटना चाहिए। ये देखो ऐसे, ये जो कोरमा है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो कोरमा आने तक हमें उस मसाले को अच्छे से भूनना है। जितना हम मसाला कोई भी सब्जी का करी का जितना अच्छे से भुनेंगे उतनी अच्छी रेसिपी तैयार होगी। और ये वो जो दाल पकाई है ना उसका पानी है, चना दाल का पानी ऊपर का जो रहता है वो, उससे ही ये करी बनती है। और थोड़ी सी उबली हुई दाल है वो पीस के मिक्सी में हम इसमें डालते हैं, उससे क्या होता है ये बहुत अच्छी होती है करी, और ऐसे पतली नहीं बनती, अच्छी ग्रेवी बनती है इसकी, मतलब ग्रेवी और पतली से दोनों मिलके बनती है, कट आता है उसको अच्छा। आपको जितना चाहिए उतना आप उसमें पानी मिला के अच्छे से उबाल के, छोटा सा इसमें मैंने कोकम डाला है, सूखा कोकम, आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं। हमारी करी तैयार, देखो अच्छे से उबाल आने के बाद कितनी अच्छी टेंटिम दिखती है ये, और राइस के साथ तो बोलो मत, दो तीन दिन आप खा सकते हैं इसे गरम करके। ये देखो कितनी अच्छी दिख रही है, मेरे तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मुझे ये पसंद है करी। मंदिर तो दिखाया ही नहीं, इसकी पूजा होती है आज, इसका महत्व होता है आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। देखो पूरा मंदिर में एक बार दिखाती हूँ आपको, क्योंकि अभी मैं भोग लगा रही हूँ, 11:30 बजे है सुबह, दोपहर के 11:30 बजे मेरा पूरा हो गया।